ऑफ यू, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वूलन एंड वर्स्टेड यार्न। यहाँ पे जो है वूलन और वर्स्टेड दो हमारे प्रोसेस हैं, दो हमारा सिस्टम है जिसमें हम दोनों ही सिस्टम में हम ऊल की प्रोसेसिंग करते हैं। अब बेसिक डिफरेंस कहाँ पे है, दोनों ही सिस्टम में जब हम ऊल की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो बेसिक डिफरेंस कहाँ है? बेसिक डिफरेंस होता है फाइबर के फाइननेस में और फाइबर की लेंथ में। हम फाइन फाइबर को वर्स्टेड सिस्टम से जो है प्रोसेस करते हैं और फाइन यार्न बनाते हैं, और फाइन यार्न से फाइन फैब्रिक हम जो है अच्छी क्वालिटी का फाइन फैब्रिक बनाते हैं जो वेयरिंग मोस्टली जो है शूटिंग में जो हम उपयोग करते हैं। और उलेन जो सिस्टम से जो है हम कोर्स फाइबर को प्रोसेस करते हैं और कोर्स फाइबर से हम कोर्स धागा प्रोड्यूस करते हैं, और कोर्स धागे का इस्तेमाल हम जो है कारपेट इंडस्ट्री में, कारपेट में कंबल बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में और जो है स्वेटर में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा बेसिक डिफरेंस है, दोनों ही सिस्टम में हम ऊल को जो है प्रोसेस करते हैं, बट दोनों ही सिस्टम में ऊल फाइबर होता है, बट यहाँ पे डिफरेंस होता है फाइबर की फाइननेस में। फाइन फाइबर को हम वर्स्टेड सिस्टम से और कोर्स फाइबर को वूलन सिस्टम से प्रोसेस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेसिक क्या डिफरेंस होते हैं। व्हाट इज वर्स्टेड वूल? वेल, द डिफरेंस बिटवीन वूलन एंड वर्स्टेड बिगिन एट द कार्डिंग स्टेज। कार्डिंग स्टेज से ही हमारे जो है डिफरेंसेस जो है वर्सेस सिस्टम का और उलेन सिस्टम के जो है डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। कार्डिंग इज वन ऑफ द प्रोसेसिंग विच अनटैंगल्ड द उल फाइबर एंड ले देम स्ट्रेट साइड बाय साइड। कह रहे कि कार्डिंग जो है, कार्डिंग हमारी प्रोसेसिंग होती है कार्डिंग में, तो फाइबर यहाँ पे जो है जो इंटेंगल्ड फाइबर है वो जो है स्ट्रेट होते जाते हैं और पैरेलल एक दूसरे के जो है पैरेलल जो है अरेंज होते जाते हैं। इट आल्सो हेल्प टू क्लीन द फाइबर ऑफ डेबरिश। कह रहे कि ये फाइबर से जो है जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं, जो मिक्सिंग होती है फाइबर के अलावा जो है फाइबर वेजिटेबल मटेरियल की और जो है डस्ट की, उसको जो है रिमूव करती है कार्डिंग जो है रिमूव करती है। बोथ वूलन एंड वर्स्टेड आर कार्डेड। कह रहे कि जो दोनों ही सिस्टम में जो है वूलन और वर्स्टेड दोनों ही सिस्टम में जो है कार्डिंग का प्रोसीजर परफॉर्म होता है। कॉम्बिंग इज द नेक्स्ट प्रोसेस इज एस्टेब्लिशिंग व्हाट इज वर्स्टेड वूल। कह रहे कि जो है कॉम्बिंग जो है प्रोसेस जो है ये जो है डिफरेंस करती है वूल सिस्टम को और वर्सेस सिस्टम को। बेसिकली वूलन सिस्टम में हम जो है कॉम्बिंग प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते हैं और ओनली जो है वर्सेस सिस्टम में जो है कॉम्बिंग का सिस्टम परफॉर्म किया जाता है। कॉम्बिंग रिमूव शॉर्टर लेंथ फाइबर एंड हेल्प्स टू फर्दर स्ट्रेटन द फाइबर एंड ले देम पैरेलल। कह रहे कि कॉम्बिंग प्रोसेस में जो है शॉर्ट फाइबर रिमूव किए जाते हैं, अदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिमूव होती हैं और फाइबर टू फाइबर जो है पैरलाइजेशन होता है, फाइबर टू फाइबर पैरेलल जो है अरेंज होते हैं। कॉम्बिंग आल्सो मेक्स टू क्लीन मोर डेबरिस फ्रॉम द फाइबर। कॉम्बिंग प्रोसेस में जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो और अच्छी तरीके से क्लीन होती है, यानी कॉम्बिंग जो है प्रोसेस जो इम्प्योरिटीज है वूल फाइबर में जो है मिक्सिंग है उसको जो है और अच्छी तरीके से जो है रिमूव करता है इम्प्योरिटीज को। ओनली वर्स्टेड आर कॉम्ब्ड, और इस वर्स्टेड यार्न जो फाइन वूल है उसी वूल को हम जो है केवल कॉम्बिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ड्यूरिंग स्पिनिंग वर्स्टेड यार्न हैव मोर ट्विस्ट इंसर्टेड व्हिच मेक्स देम ए फर्मर स्ट्रॉन्गर यार्न। कह रहे कि ड्यूरिंग स्पिनिंग प्रोसेस में जब धागा हम प्रोड्यूस करते हैं उस समय जो है वर्स्टेड यार्न में जो है हम जो है ट्विस्ट ज्यादा इंसर्ट करते हैं कंपेयर देन वूलन सिस्टम, और इस तरीके से जो हमारा वर्स्टेड यार्न होता है वो स्ट्रॉन्गर मजबूत होता है कंपेयर देन वूलन यार्न। दिस इस टर्न मेक्स वर्स्टेड फैब्रिक स्ट्रॉन्गर देन उलेन, और इस तरीके से हमारा जो है वर्स्टेड फैब्रिक जो है उलेन फैब्रिक से जो है स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। डिफरेंस बिटवीन उलेन एंड वर्स्टेड यार्न, हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है उलेन और वर्स्टेड यार्न में। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ केवल जो है दो प्रोसेस है, एक कोर्स उल को प्रोसेस करने का और एक
फाइन वूल को प्रोसेस करने का। हम जिस फाइन वूल को जिस सिस्टम से प्रोसेस करते हैं, फाइन वूल में जो है नंबर ऑफ मशीनें जो है ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, और कोर्स वूल में जो है वूलन सिस्टम में नंबर ऑफ मशीनें जो है यार्न फॉर्मेशन में कम इन्वॉल्व होती हैं। तो ये हमारे दो सिस्टम हो जाते हैं। वूलन सिस्टम में देखते हैं, वूलन फैब्रिक हैव ए सॉफ्ट फील एंड फ्यूजी सरफेस, वेरी लिटिल साइन आर सीन, विल नॉट होल्ड ए क्रीज एंड हेवियर एंड बल्कियर देन वर्सेट। कह रहे हैं कि जो है वर्सेट से जो है हमारा जो है वुलन जो यार्न होता है, वुलन फैब्रिक होता है, कह रहे वुलन फैब्रिक हैव ए सॉफ्ट फील, सॉफ्ट फील देता है, सॉफ्ट फील होता है, एंड फ्यूजी जो है बल्कि होता है, सरफेस जो है उस पर हेरिनेस सरफेस होती है, वेरी लिटिल साइन आर सीन, साइन जो है थोड़ा सा कम होती है, विल नॉट होल्ड ए क्रीज, और इसमें जो है क्रीज जो है जनरली नहीं फॉर्म होती है, एंड एंड आर हेवियर एंड बल्कियर देन वर्सेड। और वर्सेड यार्न या फैब्रिक से जो है हमारा जो उलन फैब्रिक है वो क्या होता है, हेवियर होता है, बल्की होता है देन वर्सेड फैब्रिक। ब्लैंकेट्स, स्कार्फ्स और एक कौन कौन से जो फैब्रिक होते हैं, ब्लैंकेट्स, स्कार्फ्स, कोटिंग आर फॉर्म उलन यार्न्स। और जो है ये उलेन यार्न से जो है हम ब्लैंकेट, स्कार्फ्स और कोटिंग। डिफरेंस बिटवीन उलेन एंड वर्सेड यार्न में जो है आगे हम देखते हैं, वर्सेड इज स्मूथर देन उलेन। और यहाँ पे जो है वर्सेड क्या होता है, वर्सेड जो हमारा वर्सेड उल इज स्मूथर देन उलेन। जो हम उलेन सिस्टम में जो है उल यूज करते हैं उससे जो है हमारा वर्सेड उल जो है स्मूथ होता है, फाइन होता है, टेक्स साइन मोर इजली। और जो फैब्रिक है, जो है फैब्रिक जो हमारा स्मूथ होता है कंपेयर देन उलेन, और टेक साइन, और जो है साइन जो है ज्यादा होती है, चमक ज्यादा होती है, मोर इजली, डज नॉट सैक्स, होल्ड ए क्रीज वेल। और जो है हमारा जो है फाइबर जो है फैब्रिक जो है उसमें क्रीज जो है आसानी से जो है होल्ड होती है, यानी क्रीज उसमें जो है इंसर्ट होती है आसानी से फैब्रिक में, वर्सेड फैब्रिक में। इज लाइटर एंड लेस बल्कि, और हमारा वर्सेड जो फैब्रिक है वो लाइटर होता है और कम बल्कि होता है, एंड वियर लॉन्गर देन उलेन। और जो है हम लंबे समय तक जो है इस फैब्रिक को उलेन के कंपेरिजन में इस्तेमाल करते हैं। उलेन फाइन वर्सेड उल इज इवन सीन इन क्लॉथिंग फॉर एथलेटिक्स। जो है फाइन उल का जो है हम एथलेटिक्स के क्लॉथ बनाने में, उलेन एंड वर्सेड आर बोथ डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ वूल फैब्रिक एंड यार्न, द टेबल बिलो लिस्ट सम ऑफ द देयर प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि उलेन और वर्सेड में जो है यार्न में फैब्रिक में जो है जो बेसिक डिफरेंस होते हैं उसको हम टेबल के माध्यम से जो है नीचे जो है हम बता रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन उलेन एंड वर्सेड यार्न, उलेन प्रोसेसिंग और वर्सेड प्रोसेसिंग, यानी हमारा जो फाइबर है उल फाइबर है, उल फाइबर को हम दो सिस्टम से प्रोसेस करेंगे, एक को हम उलेन प्रोसेसिंग बोलेंगे और दूसरे को जो है वर्सेट प्रोसेसिंग बोलेंगे। तो हम जो हमारी इंडस्ट्री है, अगर उस वहां पे अगर केवल जो है कोर्स फाइबर, अगर हमारी जो मशीनों का लेआउट है वो कोर्स फाइबर के हिसाब से है तो हम उसको जो है उलेन इंडस्ट्री कहेंगे। अगर हमारी इंडस्ट्री में जो है मशीनों का लेआउट फाइन फाइबर के हिसाब से है तो हम उस इंडस्ट्री को वर्सेट प्रोसेसिंग या वर्सेट इंडस्ट्री कहेंगे, और दोनों ही वूल फाइबर हैं। बस बेसिक डिफरेंस है फाइबर फाइननेस का और फाइबर लेंथ का। स्पन, यहाँ पे जो है हम उलेन प्रोसेसिंग में देखते हैं, स्पन फ्रॉम वूल फाइबर ऑफ लेंथ, लेंथ में क्या डिफरेंस होता है, लेंथ स्पन फ्रॉम शॉर्ट फाइबर ऑफ 1-3 इंच। कह रहे कि जो उलेन इंडस्ट्री होती है उसमें जो फाइबर होते हैं 1 से लेकर 3 इंच तक के फाइबर जो है प्रोसेस किए जाते हैं। डायमीटर, और हम कोर्सनेस फाइबर की जो है कोर्सनेस डायमीटर को देखें तो डायमीटर मीडियम आर कोर्स, मीडियम या कोर्स फाइबर जो है यहाँ पे प्रोसेस होते हैं। द फाइबर आर वास्ट स्कॉर्ड एंड कार्डेड, जो फाइबर होते हैं उसकी जो वाशिंग हुई होती है, स्कॉरिंग होती है और कार्डिंग होती है। वर्सेस सिस्टम में अगर हम देखें, स्पन फ्रॉम उल फाइबर ऑफ, अगर जो है यहाँ भी उल फाइबर से जो है स्पन हो रहा है वर्सेड यार्न, वर्सेड सिस्टम में, लेंथ लॉन्गर देन 3 इंच। जो है यहाँ पे जो फाइबर वो फाइबर इस्तेमाल होंगे जिस फाइबर की, जिस उल फाइबर की लंबाई 3 इंच या उससे ज्यादा हो। डायमीटर
फाइन डायमीटर, यहाँ पे जो है उल जो हम लेंगे वो फाइन फाइबर लेंगे, फाइन डायमीटर के उल लेंगे। फाइबर आर वास्ट, फाइबर जो है की जो है जो शिप से हमें फाइबर मिलता है उसकी वाशिंग होती है, स्कॉर्ड होता है, और उसके बाद हम कार्डिंग करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं एंड ड्रॉइंग करते हैं, ड्रॉन एंड स्पिन। यहाँ पे जो है फाइबर को हम जो है हमारा प्रोसेस जो है लेंदी हो रहा है कंपेयर देन उल सिस्टम, उलन सिस्टम। यहाँ पे जो है फाइबर हमारा वाश हो रहा है, स्कॉर्ड हो रहा है, कॉर्डिंग हो रही है, कॉम्बिंग हो रही है और ड्रॉइंग हो रही है। यहाँ पे जो है कॉम्बिंग प्रोसेस नहीं हो रहा था और ड्रॉइंग प्रोसेस जो है नहीं हो रहा था। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यार्न को देखते हैं। यार्न बल्की, जो उलन सिस्टम से यार्न बनेगा वो बल्की होगा, अनइवन होगा, लो टू मीडियम स्लैक ट्विस्ट। और यहाँ पे जो ट्विस्ट होगी वो लो होगी या मीडियम होगी, मीडियम स्लैक ट्विस्ट होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ लोअर देन वर्सेड, और जो यार्न बनेगा, जो उलन यार्न बनेगा उसकी स्ट्रेंथ जो है वर्सेड यार्न से जो है कम होती है। यहाँ पे जो यार्न वर्सेड सिस्टम से बनेगा फाइन फाइन यार्न बनेगा। यार्न कैसा बनेगा? फाइन यार्न, फाइन स्मूथ स्मूथ यार्न बनेगा, इवन यार्न प्रोड्यूस होगा और टाइटर ट्विस्ट। यहाँ पे हम ट्विस्ट का लेवल ज्यादा रखते हैं कंपेयर्ड देन उलन सिस्टम। हाइयर टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इस यार्न की जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी यार्न स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंपेयर देन उलन यार्न। फैब्रिक अपीयरेंस, हम उलन सिस्टम में फैब्रिक का अपीयरेंस देखते हैं। फैब्रिक हमारा सॉफ्ट होता है, फ्यूजी होता है, रोवेदार होगा फैब्रिक हमारा, हेवियर वेट, और फैब्रिक हमारा हेवी वेट का होगा क्योंकि हमारा कोर्स फाइबर से फैब्रिक बना हुआ है। वर्सेस सिस्टम में फैब्रिक अपीयरेंस क्रिस्प स्मूथ लाइटर वेट, क्रिस्पी टाइप जो है फैब्रिक होगा, स्मूथ होगा हमारा फैब्रिक और लाइटर वेट और हल्के वेट का फैब्रिक होगा यहाँ पे। और कैरेक्टरिस्टिक हम उलन सिस्टम के जो है मैं कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इंसुलेटर ड्यू टू ट्रैप्ड एयर, कह रहे कि जो है ये जो एयर है एयर पॉकेट्स में जो है एयर जो है ट्रैप हो जाती है मटेरियल में फैब्रिक में। डज नॉट होल्ड ए क्रीज वेल, लेस ड्यूरेबल देन वर्सेट, कह रहे कि और डज नॉट होल्ड ए क्रीज, और इसमें जो है फैब्रिक में क्रीज जो है फॉर्म नहीं होती है, लेस ड्यूरेबल देन वर्सेट, और वर्सेट से के कंपेरिजन में उलन की जो है लाइफ कम होती है। कैरेक्टरिस्टिक जो है वर्सेस सिस्टम में देखते हैं, लेस इंसुलेटर, और यहाँ पे जो है जो एयर ट्रैप हो रही थी यहाँ पे जो है कम एयर ट्रैप होंगी मटेरियल में, और इंसुलेट यानी ये जो है ज्यादा गर्म नहीं करेगा, कम गर्म करेगा वर्सेड फैब्रिक। होल्ड क्रीज एंड शेप, और ये जो है वर्सेड फैब्रिक में जो है क्रीज होल्ड होती है यानी क्रीज बनती है और एक पर्टिकुलर शेप जो है लेता है, पर्टिकुलर जो हम क्रीज को शेप देते हैं वो शेप जो है क्रीज जो है फार्म होती है। मोर ड्यूरेबल देन उलेन, और यहाँ पे जो है उलेन के कंपेरिजन में ये ज्यादा ड्यूरेबल होता है। यूजेज के रूप में हम देखें उलेन सिस्टम से जो हम यार्न और फैब्रिक बनाते हैं उसका जो यूजेज स्वेटर के रूप में जो हम यार्न प्रोड्यूस करते हैं, स्वेटर कारपेट और ट्वीड के रूप में हम उपयोग करते हैं। और यहाँ जो है वर्सेस सिस्टम से जो यार्न प्रोड्यूस करते हैं वो सूट ड्रेसेस गैबर डाइनिश एंड क्रिप्स। यहाँ पे जो है हम इन फैब्रिक इन यार्न का जो है अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ने देखा कि वर्सेस सिस्टम और उलन सिस्टम दोनों में ही दोनों सिस्टम में ही उल फाइबर को प्रोसेस किया जा रहा है। बस बेसिक डिफरेंस ये है कि फाइबर की फाइननेस, फाइबर जो है जो कोर्स फाइबर है उसको हम उलन सिस्टम से प्रोसेस करते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन कम इन्वॉल्व होती हैं धागा यार्न फार्म करने में, और वर्से सिस्टम में जो फाइन फाइबर है उसको हम वर्से सिस्टम से प्रोसेस करते हैं और इस वर्से सिस्टम से फाइन यार्न प्रोड्यूस करते हैं जिसमें नंबर ऑफ मशीनें जो है कंपेयर देन उलन सिस्टम ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और प्रोसेस हमारा लेंदी हो जाता है। इस तरीके से आपको वर्से सिस्टम और डिफरेंस बिटवीन उलेन एंड वर्सेट प्रोसेसिंग में जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।